जी मैं फिलदान, वेलकम टू पाकिस्तानी बसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पाकिस्तान की एक फेमस बस कंपनी ITC क्रूजर की एक बिजनेस क्लास बस के रिव्यू देने जा रहा हूँ। ये वाली बस जो है इनकी वॉल्वो की बस है। बेसिकली ये इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी जब लॉन्च हुई थी तो इन्होंने इस्लामाबाद से कराची, फैसलाबाद से इस्लामाबाद के रूट को टारगेट करने की कोशिश की थी। तो मतलब लाहौर वाली साइड पर इतने सक्सेसफुल नहीं रहे थे। इन्होंने कोलेब्रेशन की, पहले स्काईवेज के साथ की, VPL के साथ, इसके बाद बिलाट हाउस के टाइम पर गए, लेकिन इतने कामयाब नहीं हो पाए थे। तो अब इन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया कि ये न्यासी एक्सप्रेस के टर्मिनल पे आया है, जो कि एक लाहौर का काफ़ी पुराना एंड मोस्ट बिजी टर्मिनल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पाकिस्तान की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शहरों के लिए सर्विस देखने को मिल जाती है। तो आज मैं इनकी टर्मिनल पे ही जा रहा हूँ, तो वहाँ से मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा। ITC की बस कैसी है, लाहौर टू कराची के लिए रिसेंटली इसको स्टार्ट किया गया है एंड इस पर काफ़ी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो ये जो बस है ये इस रूट की बेस्ट बस है। तो चले चलते हैं न्याजी एक्सप्रेस के टर्मिनल पे एंड वहाँ पे जाके आपको रिव्यू देता हूँ। तो दोस्तों ये न्याजी एक्सप्रेस का बस टर्मिनल जो कि लाहौर में बंद रोड पे मौजूद है, काफ़ी बिजीएस्ट प्लेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बसेस खड़ी हुई हैं। तो रिसेंटली ITC क्रूज़र की लाहौर तक कराची के लिए यहाँ से सर्विस स्टार्ट हुई है, जो कि मतलब पहले लाहौर से इस्लामाबाद, लाहौर से मुल्तान, फैसलाबाद के लिए चली थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई थी। तो अब इन्होंने मतलब अच्छी कोलेब्रेशन की है न्याजी एक्सप्रेस के साथ। तो ये इनकी बस है वॉल्वो की, इसका जो फेयर है वो आजकल 2800 है, वैसे 5600 है। तो स्टार्ट में इस पर डिस्काउंट है बुकमी के थ्रू। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल बस है वॉल्वो, काफ़ी मतलब ना प्यारी बस है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कंपनीज देखने को मिल जाती हैं जो कि कोलेब्रेशन करती हैं। तो ये आप बस के कुछ सीन्स देखें, देन आपको इस बस का इंटीरियर भी दिखाता हूँ जो कि मेन चीज। चलते हैं बस में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो इंटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डैशबोर्ड, स्पीडोमीटर, इसके अलावा ड्राइविंग सीट, इसके ऊपर जो मार्को पोलो लिखा है, बेसिकली ये मार्को पोलो की बस है। पाकिस्तान में वॉल्वो का चेसिस यूज़ करते हैं। तो इंटीरियर इसका काफ़ी लेविश किस्म का है। एंड सीट्स की अगर बात करें तो सीट्स इस बस का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वॉल्वो की जो सीट्स हैं ये बाकी बसेस की नज़र सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, मतलब काफ़ी नरम सीट्स होती हैं। एंड ITC क्रूजर की वॉल्वो की जो सीट्स हैं ये पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती हैं। काफ़ी प्यारी सीट्स हैं, 2x1 वाला सिस्टम है। एक रो में आपको एक साइड पर आपको मतलब 9 सीट्स देखने को मिल जाती हैं एंड बाकी दूसरी साइड पर आपको 2x2 वाला सिस्टम देखने को मिलता है। तो उसमें आपको ऑलमोस्ट 24 सीट्स देखने में जाती हैं। तो सीट्स काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। इसके अलावा इनमें काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस होती है, फुटरेस्ट भी अवेलेबल है एंड यहाँ पे आर्म रेस्ट भी मौजूद है। एंड यहाँ पे सीट्स के बैक की अगर बात करें तो इनका जो वीडियो ऑन डिमांड सिस्टम है वो पाकिस्तान में मतलब उन टॉप कंपनीज में से है जो कि आपको सबसे अच्छा वीडियो ऑन डिमांड सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन के नेम देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें ऑडियो, वीडियो बच्चों के लिए, इसके अलावा मतलब हर टाइप का कॉन्टेंट देखने को मिल जाता है। एंड इसका इंटरफेस जो है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट देखने में मिल जाता है। कंटेंट वाइज ये जो है वीडियो ऑन सिस्टम ओके है। इसके बाद मतलब ये आप देख सकते हैं अगर बच्चे एंजॉय करना चाहते हैं अपनी जर्नी में, काफ़ी बड़ी जर्नी है, तो यहाँ पे कंटेंट मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे सीट्स के बैक पे कप होल्डर, एक इसके अलावा बास की देखने में जाती है एंड बॉटम पे आपको फुटर देखने में जाता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पेस मौजूद होती है एंड इसके बस के कर्टन्स भी काफ़ी प्यारे हैं। ये इसका AC वाला मीटर है, इसके ऊपर सीट्स के नंबर लिखे हुए हैं। लास्ट जो सबसे लास्ट है यहाँ पे आपको 4 सीट्स देखने में जाती हैं एंड बाकी आपको 2x1 वाला सिस्टम देखने में है। सीट्स के ऊपर ही ITC क्रूजर की ब्रांडिंग भी देखने में जाती है। इस बस के अंदर वाईफाई भी होता है, रिफ्रेशमेंट भी अच्छी दी जाती है, कराची के लिए आपको एक टाइम का खाना भी दिया जाता है। ऑलमोस्ट 14 से 15 घंटे में आपको कराची पहुंचा देते हैं। तो बस जो है ये लाहौर टू कराची के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा वड़ाची एक्सप्रेस की सबसे अच्छी है एंड इनकी अच्छी है, और एक कायनात ट्रेवल्स चली थी उनकी भी अच्छी है। तो ये काफ़ी अच्छी बस है।